Okay, very good evening everyone. Rajendra Singh this side. क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है, कोई भी एक पोस्ट बता दें। यस सर, क्लियर है। चलिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जिन लोगों को भी जगह मिल गई है। कितने ऐसे लोग हैं जो लोग आज पहली बार इस वेबिनार के अंदर आए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी लोग आज पहली बार इस वेबिनार के अंदर आए हैं, एक बार जरा जल्दी से हैंड रेज करके बताएं, जो इससे पहले कभी भी हमारे इस वेबिनार के अंदर नहीं आए थे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग पहली बार आए हैं आज के इस वेबिनार के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मेरे दोस्त, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, राइट, जितने लोग कनेक्ट कर गए हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस वेबिनार के अंदर 1 से 2 सेकंड के अंदर मीटिंग हाउसफुल हो गई थी। 1 से 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा था। मेरे दोस्त, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट कर गए हैं, क्योंकि 1-2 सेकंड के अंदर हमारी मीटिंग हाउसफुल हो गई है, तो 1 सेकंड के लिए भी आप मीटिंग से बाहर जाने का मत सोचिएगा, अदरवाइज आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा। जितने लोगों को जगह नहीं मिली है, उन सारे लोगों के लिए हमारी यूट्यूब पे मीटिंग लाइव है, तो आप लोग यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, सो दैट वो लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और वो भी इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। मेरे भाई, जितने भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको जगह मिल गई है और जो पहली बार आए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी ये मीटिंग जो है पूरी टेक्निकल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। बीच में ड्यूरिंग द वेबिनार ना तो किसी का फोन कॉल उठाएं, ना तो किसी के मैसेजेस के अंदर लगें, क्योंकि 1 सेकंड के लिए अगर आप मीटिंग को मिस करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सो आधी चीजों को सुन के, समझ के और चीजों को जज करेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तब तक जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं समझेंगे, लास्ट तक इस वेबिनार के अंदर नहीं बने रहेंगे। और जितने लोगों को जगह नहीं मिली है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उन सारे लोगों के लिए YouTube पे हमारी मीटिंग लाइव है, आप उन लोगों को YouTube पे कनेक्ट करवा सकते हैं ताकि वो YouTube के माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट हो सके। मेरे दोस्त, आज जिस वेबिनार को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिस वेबिनार को आप लोग देखने आए हैं, एक ऐसा वेबिनार जितने हजार में नहीं, लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट। एक ऐसा वेबिनार जिसने लाखों लोगों की लाइफ को 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करा है। और ये आप लोगों को अगर समझना है, आप लोगों को अगर देखना है, तो लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा, लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि समझ में आपको नहीं आएगा। तो चलिए, मैं सीधे आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कौन सा वेबिनार है, ऐसी कौन सी प्रेजेंटेशन है, क्यों लोग यहाँ पे 1-1.5 सेकंड के अंदर हाउसफुल कर देते हैं, 1000 लोग आ जाते हैं इस मीटिंग के अंदर। और अभी अगर आप यूट्यूब के अंदर भी जाएंगे तो यूट्यूब में भी 300, 400, 500, 600, 700, इवन 800, 900 लोगों तक हमारा यूट्यूब के अंदर भी लाइव लोग देख रहे होते हैं। मेरे दोस्त, जिस चीज को मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ, उस चीज का नाम है फोर्सेस। कुछ लोग फोर्सास बोलते हैं, कुछ लोग फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन नाम से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है क्या, ये ज्यादा जरूरी है जानना। आज पूरी फोर्सेस कम्युनिटी की बात करें, 28 लाख लोगों की कम्युनिटी है। 31 जनवरी 2020 को फोर्सेस मार्केट के अंदर आया था। 31 जनवरी 2020 से लेकर अब तक फोर्सेस ने करीब करीब 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ से 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। अंदर अप्रोक्सीमेट 15,000 प्लस मेंबर्स जिन्होंने यहां से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग किया है। माइंड माई वर्ड, पिछले 31 जनवरी 2020 से लेकर अब तक 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग किया है। फोर्सेस के अंदर जो हाईएस्ट अर्नर्स हैं, 7 महीने 8 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग भी किए हैं। आप एक ऐसा वेबिनार देख रहे हो, एक ऐसा सिस्टम देख रहे हो जहां पे जिंदगी बदलने के लिए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन को समझ लिया दोस्त, 3 महीने 4 महीने काफी है वो सारे अचीवमेंट्स लेने के लिए जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस टीम का नाम है टीम ग्लोबल। 1 जून 2021 को टीम ग्लोबल की शुरुआत हुई थी। आज टीम ग्लोबल का परिवार 1,55,000-1.5 लाख लोगों का के आसपास हमारी टीम साइज हो चुकी है। और टीम ग्लोबल के अंदर आज अचीवमेंट्स में आप जाएंगे तो हजारों की संख्या में कारें हैं, लाखों की संख्या में लखपति हैं, और
आज हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो लोग पर डे 50,000, 60,000, 1,00,000 की अर्निंग भी ले रहे हैं। दोस्त फिर से सुनिए, हजारों लोग ऐसे हैं जो एक दिन का अर्निंग इस सिस्टम से, पर डे की अर्निंग यहां से इस सिस्टम के माध्यम से 1,50,000, 60,000, 70,000, 30,000, 40,000 की ले रहे हैं। आगे चलता हूं और इस सिस्टम को देखना क्यों जरूरी है, क्यों आपको इस सिस्टम को देखना चाहिए। दोस्त फर्स्ट जो यहाँ पे सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स हैं, चीजें हैं, दैट इज नो कंपनी। मेरे दोस्त फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। आज तक आपने जितने भी जगह पे प्लान देखा होगा, जहां पे भी आपने वेबिनार देखा होगा, आपने किसी न किसी कंपनी का प्लान देखा होगा, लेकिन फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। सच है कि यहाँ पे कोई बैक ऑफिस भी नहीं है। अगर कंपनी नहीं है तो मेरे दोस्त कोई बैक ऑफिस भी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है, देर आर नो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एंड शायद दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम होगा, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं देखा हूं। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो दोस्त समझिए इसको दुनिया का इकलौता सिस्टम है, जहां पे कोई क्लोजिंग और मैचिंग नहीं, जहां पे आपको हफ्ते का और महीने का इंतजार नहीं करना होता है, विद इन अ सेकेंड पे आउट आता है, इंस्टेंट पे आउट आता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि दोस्त यहाँ पे 5%, 10%, 20% आपके टर्नओवर का नहीं मिलता है, यहाँ पे 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है। विद इन अ सेकेंड तो पे आउट मिलता ही मिलता है, प्लस क्योंकि कंपनी नहीं है फोर्सेस, तो फोर्सेस के पास कोई एक चवन्नी भी नहीं जाता है, पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 100% आपके टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसीलिए फोर्सेस के अंदर लोग कमाते भी हैं। मेरे दोस्त जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, बीइंग लीडर, एक सवाल दिमाग के अंदर आता है, कंपनी बंद हो गया तो, प्लान बदल गया तो, कंपनी अगर बंद हो जाएगा लोग कंपनी के पास नहीं, पहले हमारे पास आएंगे। अगर आपने लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन को देखा तो आपको समझ में आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फोर्सेस को कोई नहीं बदल सकता, फोर्सेस के प्लान को कोई नहीं बदल सकता, तब तक जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है। मेरे दोस्त आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूं, इस सिस्टम को जिन्होंने बनाया था उन्हीं में से एक मेंबर था जो आज से 3 महीने पहले अपना एक दूसरी कंपनी लॉन्च करा, और वो यूट्यूब के अंदर आके, अपने टेलीग्राम के अंदर आके ये बोल रहे थे कि फोर्सेस के प्लान को बदल दिया जाएगा, फोर्सेस का प्लान ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लोगों का पे आउट रुकेगा। आप समझिए सिस्टम के क्रिएटर मेंबर ने भी अपना 100% लगा दिया, अपना 100% लगा दिया सिस्टम के अंदर यू नो फॉल्ट लाने के लिए, लेकिन आज तक ना तो 1 सेकंड के लिए किसी का पे आउट रोका गया और ना ही सिस्टम के अंदर कोई बदलाव हुआ। आप समझो इससे बेहतरीन सिस्टम कि सिस्टम का क्रिएटर भी अगर चाह ले तो कुछ नहीं कर सकता। ये है फोर्सेस। आगे लेके चलता हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा और चीजों को समझिएगा। मेरे दोस्त जो हमारा फोर्सेस है, व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्या? मेरे दोस्त फोर्सेस का प्रोडक्ट है डिजिटल करेंसी, फोर्सेस का प्रोडक्ट है वर्चुअल करेंसी, फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त फोर्सेस का डिजिटल प्रोडक्ट है साथ में NFT नॉन फंजिबल टोकन, जो अपकमिंग में है, विद इन अ मंथ हम सब के पास NFT भी होगा। आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन उसके पहले अपन समझते हैं कि मार्केट के अंदर इसका क्या यूज है, व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, धन का विकास। थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलिए, कुछ समय पहले लेन देन जो माध्यम था वो था बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से भी जानते थे, काम के बदले में अनाज, सामान के बदले में सामान, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। फिर समय बदला, लोगों ने गोल्ड के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा, मेटल कॉइन तांबे का सिक्का के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा, फिर आया पेपर मनी जिसको हम लोग नोट भी बोलते हैं। इन चारों चीजों के अंदर प्रॉब्लम क्या था? कैरी करना मुश्किल था, आपका लेन देन बड़े मात्रा में है, इसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने में दिक्कत था, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत था। सो दैट मार्केट के अंदर क्या आता है, प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम लोग ATM कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर और अपडेट होता है मार्केट के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम लोग भीम UPI, फोन पे, गूगल पे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई तरीके की प्रॉब्लम, दैट थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल, दैट मीन व्हाट, यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ योर मनी, आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए पड़े हैं, आप किसी को 5,00,000, 6,00,000 रुपए फोन पे के माध्यम से भेजना चाहते हैं, नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी कंट्रोल है, थर्ड पार्टी लिमिटेशन से आप उतना ही भेज सकते हो जितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है। अगर आप ATM कार्ड यूज करते हैं, आपको 5,00,000 रुपए ATM से निकालने हैं, आप नहीं निकाल सकते एक दिन में। क्यों? आपका बैंकिंग सिस्टम, थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, जो थर्ड पार्टी कंट्रोल है, वो आपको लिमिट ही नहीं देता है। आप उतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट देता है।
मेरे दोस्त बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी, और ये सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर आता है एज अ वर्चुअल करेंसी, एज अ डिजिटल करेंसी, एज अ क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसा करेंसी जिसने मार्केट का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी करेंसी जिसने हजारों लोगों को मिलेनियर बिलियनियर बना दिया। एक ऐसी करेंसी इज जस्ट लाइक हॉट सेलिंग केक, सबसे ज्यादा चर्चित नाम, सबसे ज्यादा चर्चा किया जाने वाला नाम करेंसी अगर कोई मार्केट के अंदर है तो वो है क्रिप्टो करेंसी। मेरे दोस्त, आप क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, अभी वर्ल्ड वाइड G20 का समिट होना है जिसमें भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत को प्रेसिडेंसी मिली हुई है, और भारत का तीन सबसे अहम मुद्दे पे आप अगर जाएं तो थर्ड नंबर पे क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को गवर्नमेंट ने रखा है, फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। मेरे दोस्त, आप इसका पॉपुलैरिटी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नहीं, आज से कुछ समय पहले 2018 के अंदर RBI ने जब बैन करा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी, लेकिन उस बीच में भी सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जो हुए थे 2018 और 2020 के बीच में हुए थे। मेरे दोस्त, इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो, एक ऐसी करेंसी कैनॉट प्लेस के अंदर पहला क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन होता है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। भोपाल के अंदर दूसरा क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन होता है जहां पे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इंदिरा नगर बेंगलुरु के अंदर तीसरा क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन होता है, रेस्टोरेंट ओपन होता है जहां पे खाने के बदले में आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही आज इंडिया के अंदर आप देखेंगे हर एक जगह पे कोई ना कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट है, कोई ना कोई एक ऐसा कैफे है जो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। Still, if I thinking about this and not my cup of tea, तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैकडी जैसी कंपनीज जिनका बर्गर आपको बहुत पसंद है वो भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं, गूगल जिसके बिना आप नहीं रह पाते वो भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट सेटलमेंट एक्सेप्ट करता है। मेरे दोस्त, आपको लगता है कि यार ये मेरे काम का है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, वीजा जो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है वो भी अपने पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करता है, पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ करता है। मेरे दोस्त, AI सेल्वाडोर बिकम फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्ट 100% क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर। दुनिया का सबसे पहला देश AI सेल्वाडोर जो 100% तरीके से एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज को अपने कंट्री के अंदर अलाउ किया है। मेरे दोस्त, दुबई के अंदर आधी चीजें आप क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से खरीद सकते हैं। कनाडा के अंदर मैकडी एंड डोमिनोज जैसी कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज से पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। मेरे दोस्त, आगे मैं लेके चलता हूं और भी कुछ चीजें दिखाता हूं जो बहुत जरूरी है आपके बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जिनको सी भी नहीं पता है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन बहुत शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको कोई गवर्नमेंट नहीं बनाता है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर विद द सेम वैल्यू आप यूज कर सकते हो, और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू आपको दे सकता है, और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसमें केवल एक टोकन का, एक करेंसी का अगर अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, दैट इज बिटकॉइन, दैट इज BTC, $969 बिलियन। ये 2021 का डेटा है। आज का डेटा आप देखेंगे $1,000 बिलियन से ज्यादा, कई देशों की GDP से ज्यादा केवल एक टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिसका नाम है BTC, जिसका नाम है बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड, आगे लेके चलता हूं और आप यहां पे देख पा रहे होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये 2020 का डेटा है। आगे चलते हैं, साल के अंत तक आ सकता है डिजिटल करेंसी का मॉडल। गवर्नमेंट पहले 2018 के अंदर RBI ने बैन करा था, जब उसको समझ में आया कि भाई डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रोक नहीं सकता, इसके लेन देन पे रोक नहीं लगा सकता, देन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ करा पेमेंट। इवन गवर्नमेंट CBDC नाम की एक अपनी खुद की वर्चुअल करेंसी लॉन्च करी है, गवर्नमेंट ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है जहां पे आपको कैश नहीं मिलेगा, जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, और ये भी क्रिप्टो बेस ही इनकी डिजिटल करेंसी है। मेरे दोस्त, ये 2021 का, 2021 का न्यूज आर्टिकल है, अब तो लॉन्च भी हो गया, दैट RBI ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, व्हाट्स द टेक ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पायलट करेंसी अभी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है जिसमें SBI, HDFC जो भी बैंकिंग सिस्टम से बैंकिंग बैंक के लोग हैं, बैंकों को दिया गया है अभी यूज करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तरह, एंड आने वाले टाइम के अंदर आप और हम सब लोग भी CBDC जैसी डिजिटल करेंसी को यूज कर पाएंगे। आप यहां पे आगे और देखें, एलोन मस्क टेस्ला व्हीकल कैन नाउ बी बॉट यूजिंग बिटकॉइन।
एलन मस्क इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एंड ही सेज इफ यू वांट टेस्ला व्हीकल, इफ यू वांट टू बाय टेस्ला व्हीकल यू कैन बाय यूजिंग बिटकॉइन, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप टेस्ला की कार भी खरीद सकते हो। टेस्ला कार कौन सी कार है? दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी। अगर आपको लगता है आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, यू नो दिस इज नॉट माय काइंड ऑफ थिंग्स, तो मेरे दोस्त एलन मस्क ट्विटर का भी मालिक है, स्पेसएक्स का भी मालिक है और टेस्ला व्हीकल का भी मालिक है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अगर आपको लगता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी से आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, लगे रहिए। लेकिन और आप में से बहुत सारे लोग, किसी ने कमेंट किया था कल यूट्यूब के अंदर कि ये तो पुराने इनके डेटा है, ये तो पहले इन्होंने कभी बोला था दोस्त 2021 के अंदर इन्होंने बोला था और अभी भी ये इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी को लेके, कुछ ना कुछ मतलब क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कोई है राइट बिलियनियर्स में से तो वो एलन मस्क है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। फिजिकल क्रिप्टो बैंक ओपन इन इंडिया दिस 14 लोकेशन ऑफ 1% बैंकिंग ब्रांडिंग माय डियर फ्रेंड्स दीज आर द 14 लोकेशंस जहां पे आप INR के बदले में क्रिप्टो, क्रिप्टो के बदले में INR लेंडिंग, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लस SIPs वगैरह भी डाल सकते हैं। आगे लेके चलता हूं और मैं बोल रहा था इट कैन गिव्स यू हाई रेट एंड वैल्यू राइट। यहां पे आप देखो 7 साल पहले एक इंसान 1,00,000 रुपए लगाता है 625 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आप मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप 1,00,000 रुपए लगा के 625 करोड़ रुपए ले सकते हैं? ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ही पॉसिबल है। बिटकॉइन ने निवेशकों को किया मालामाल, 2010 से अब तक 90% रिटर्न 2021 के न्यूज़ से 2021 में ही 90% रिटर्न लोगों को ऑलरेडी दे चुका है। दुनिया भर में डिजिटल करेंसी पर तेजी से काम, 86% देशों में रिसर्च, 7% में टेस्टिंग जारी। माय डियर फ्रेंड्स आप अगर अभी तक इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किए हो, मैं आपको बता दूं 2021 के अंदर इंडिया चाइना और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था इन्वेस्टर्स के मामले में। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स थे, थर्ड नंबर पे था इंडिया, देन उसके बाद चाइना आ रहा था, देन उसके बाद यूएसए आ रहा था। आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें और यहाँ पे दिखाता हूं आपको वर्सेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑलरेडी 2021 में अप्रैल के अंदर टैक्स लेके आ गया है, हमारा TDS भी डिडक्ट होता है जो भी हम इनकम करते हैं और हम टैक्स भी पे करते हैं और अभी इसके रेगुलेशन पे भी बात चल रही है। अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, तो थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं होता है, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का हिसाब किताब कैसे होता है, कौन है जो इसका हिसाब किताब रखता है? मेरे दोस्त उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एंड दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस एंड दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम एंड सबसे विश्वसनीय तकनीक अगर कुछ है तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाम से ही बहुत क्लियर है, एक ब्लॉक बना इंटरनेट की दुनिया के अंदर, जैसे आप GoDaddy पे जाके वेब स्पेस खरीदते हैं वैसे ही एक ब्लॉक बना और इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट डाला जिसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन ये एक कोड के द्वारा बनाया जाता है, एक कोडिंग के द्वारा बनाई जाती है और इसको ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। जैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया जाता है सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, एक डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर अगर आपने भी डेटा डिप्लॉय करा है, आपने भी कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया है, आप अगर इसको डिलीट करना चाहें, मिटाना चाहें, नहीं मिटा सकते, नहीं डिलीट कर सकते तब तक जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से आप ना डिलीट कर दें, जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको खत्म ना कर दें। इसीलिए इसको एज अ पब्लिक लेजर भी कंसिडर किया जाता है और एज अ डिजिटल लेजर तो कंसीडर किया ही जाता है। मेरे दोस्त एक चेन के थ्रू ये दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है जहां पे एक दूसरा डेटा डिप्लॉय होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है और इसका भी बेसिक फंडामेंटल सेम है, सेम ये भी दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, इसका डेटा भी एक डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं क्यों बोल रहा था फोर्सेस का भी बंद नहीं हो सकता, फोर्सेस को बनाने के बाद फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्लॉकचेन के अंदर अपलोड किया गया और यहां पे डिप्लॉय करा गया और इन द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस सेम बेसिक फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहां पे सारे डिवाइसेस के अंदर ये रिकॉर्ड हुए, एक डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब अगर फोर्सेस के क्रिएटर मेंबर्स भी चाहे लेना सर पटक लें, उल्टा खड़े हो जाए, सर के पैर सर के बल खड़े हो जाए तब भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और एक इंसान जिन्होंने जिनका बड़ा योगदान था फोर्सेस को क्रिएट करने, फोर्सेस के प्लान को क्रिएट करने में, उसने अपना एड़ी चोट लगा दिया, सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं कर सका, फोर्सेस का प्लान के अंदर 1% का भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, फोर्सेस का प्लान ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है।
ब्लॉकचेन के अंदर फोर्सेस का प्लान काम कर रहा है और हमारा जो ब्लॉकचेन है 100% वेरीफाइड ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट है, 100% वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ फोर्सेस काम कर रहा है। दोस्त आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर आपकी बात हम क्यों माने, मेरी नहीं मानोगे लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की तो बात मानेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिए देन आगे बढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी की, इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। मेरे दोस्त आपने देखा गवर्नमेंट भी अपने ट्रांजैक्शंस के लिए अपने गवर्नेंस के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। इवन मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रजिस्ट्री के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, खाद्यान्न सब्सिडी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यूज कर रहा है, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। आगे लेके चलता हूं, यहां पे आप देखें कुछ कंपनीज, BBVA वीजा जिसका ATM कार्ड आपके पास है, HSBC बैंक, ये भी वॉलमार्ट फूड कार कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, DHL एक्सप्रेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, गवर्नमेंट ऑफ मास, ये भी बेटर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं अपने बेटर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स के लिए। बेदो फोर्सेस के बारे में एक और चीज जाने, फोर्स का 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बिफोर दैट आई मस्ट नो व्हाट इज द सेंट्रलाइज सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, एक कंपनी जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल हो, मतलब कोई एक इंसान जो आपके कंपनी का कायाकल्प बदल सकता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर MD CMD डायरेक्टर्स हैं, उसको बोला जाएगा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है? पहला नुकसान, आप जो टर्नओवर देते हैं उन्हीं में से उनको पेमेंट जाएगा, राइट, और इसलिए आपके टर्नओवर का कुछ परसेंट ही आपको मिल पाता है, बाकी पूरा पैसे कंपनी के MD CMD को चला जाता है। दूसरा, जब वो चाहेंगे आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकते हैं, जब वो चाहेंगे आपका पेमेंट रोक सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया, जस्ट लाइक फोर्सेस। अब फोर्सेस के क्रिएटर मेंबर्स भी चाहेंगे तो ना तो सिस्टम को बदल सकते हैं और ना ही कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। दूसरी चीज, सिस्टम के अंदर कोई MD CMD नाम की चीज नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा बच रहा है, और पूरा का पूरा पैसा बच रहा है तो आपके और मेरे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिससे कोई कंपनी का मालिक मेबैक जैसी कार्य नहीं ले रहे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग मजबूत हो रहे हैं। आगे लेके चलता हूं, फोर्सेस के अंदर कुछ और जबरदस्त चीजें आप जानें। फोर्सेस द 100 नेशनल ग्लोबल डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्रोजेक्ट, जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे कोई इंसानी कंट्रोल नहीं है, पॉलिसी एंड प्लान चेंजेबल, एडिटेबल, डिलेटेबल, ब्लॉकेबल नहीं है, एंड दिस द 100% ट्रांसपेरेंसी, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन वेरीफाई विच हैपन इन फोर्स आवर्स। आगे लेके चलता हूं, और यहाँ पे देखें इंस्टेंट ट्रांजेक्शन बाय P2P विदिन अ सेकंड पे आउट आता है पर्सन टू पर्सन। आगे और चलिए, ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बेस पे हमारा सिस्टम वर्क करता है। हमारा सिस्टम कौन सी करेंसी पे काम करता है? हमारा सिस्टम काम करता है एथेरियम पे, ट्रोन पे और BUSD पे। आज मैं बात करने वाला हूं BUSD के बारे में, और BUSD मोस्ट आप समझ सकते ट्रस्टेबल, यू नो, स्टेबल टोकन है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोकन अगर अपन माने वर्ल्ड वाइड तो वह है BUSD, Binance USD, जिसको Binance और Paxos ने मिलके
2019 के अंदर बैक करके बनाया था, जिसको अप्रूव किया था न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कमिटी, जिसको अपन बोल सकते हैं यूएसए गवर्नमेंट, और रेगुलेट भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। बीयूएसडी नाम से क्लियर है, बाइनेंस यूएसडी, जो बाइनेंस एंड यूएसडी के प्राइस को बैलेंस करता है। मेरे दोस्त, वन बीयूएसडी इज इक्वल टू वन यूएसडी, एक बीयूएसडी की कीमत $1 के बराबर होता है, और फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10 बीयूएसडी की जरूरत पड़ती है, यूनिट 10 बीयूएसडी फॉर योर रजिस्ट्रेशन, एंड $2 से $2.50 गैस फीस लगता है, और यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सर X3 एंड फोर्सर X4। ये कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्ट्रक्चर आपके एक साथ एक्टिवेट होंगे, X3 एंड X4। आगे चलता हूं, यहाँ पे आप देखें X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है, X4 के अंदर भी टोटल 12 लेवल है। अभी लेवल क्या है, इनको हम लोग स्लॉट बोलते हैं, कंपनियों के अंदर इनको डेजिग्नेशन पिन बोलते हैं, जिनको अचीव करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई टारगेट क्राइटेरिया कंप्लीट करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप चाहें तो डे वन पे आप अपने इन्वेस्टमेंट से यहाँ के 12 के 12 लेवल को बाय कर सकते हैं और टॉप पर्सनल बन सकते हैं। फोर्सेस कौन से प्लान पे वर्क करता है, मैट्रिक्स, बाइनरी, जनरेशन, सिंगल लेग, डबल लेग, 6 लेग। मेरे दोस्त, फोर्सेस ना तो सिंगल लेग पे काम करता है, ना डबल लेग पे काम करता है, ना 6 लेग पे काम करता है, और ना ही बाइनरी है, ना ही जनरेशन है। फोर्सेस का जो प्लान है 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, मैट्रिक्स प्रोग्राम है, और अगर अब तक आपने मैट्रिक्स प्रोग्राम नहीं देखा है तो हिलिएगा मत, असली प्लान शुरू होता है हमारा। अब सबसे पहले चलते हैं X3 प्रोग्राम के अंदर। X3 प्रोग्राम इज 100% वर्किंग प्लान, इसको हम लोग रेफरल इनकम भी बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का, यू कैन डिनोट योरसेल्फ एज अ यू, आप अपने आप को यू के नाम पे डिनोट कर सकते हैं। एंड करना क्या है, जो काम अभी तक आप करते आए थे, टीम बिल्ड करते आए थे, वही काम यहाँ पे भी करना है। जैसे ही किसी एक इंसान को रेफर करेंगे मिस्टर वन आपकी टीम के अंदर आएगा, और जैसे ही आपकी टीम के अंदर आएगा ना कोई क्लोजिंग है ना कोई मैचिंग है, विद इन अ सेकंड आपको पे आउट आता है, 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है, और वो भी कितना आता है मेरे दोस्त, आता है पूरे के पूरे 100% 100%। अगर आप $5 से रजिस्ट्रेशन किए थे तो $5 आएगा, 10 से किए थे 10 आएगा, 50 से किए थे तो 50 आएगा। जैसे ही दूसरे को रेफर करेंगे दूसरे का 100% आपको आएगा, तीसरे को रेफर करेंगे तीसरा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर फिल हो रहा है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर फिल हो रहा है, तीसरा रीइन्वेस्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ताकि आपको सेम स्लॉट के अंदर दोबारा पैसे ना लगाना पड़े, और ये चला जाएगा आपकी इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपकी अप्लाइंग को। 1-2 आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग को जाएगा। सर अगर मैं चौथे को रेफर करूंगा तो क्या होगा, चौथा पहले जगह में आएगा 100% आपको मिलेगा, पांचवा दूसरे जगह में आएगा 100% आपको मिलेगा, छठवा तीसरे जगह में आएगा, और ये 100% अप्लाइंग को चला जाएगा। 1-2 आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग को जाएगा, 1-2 आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग को जाएगा, ये बार बार चलता रहेगा। चाहे वो आपका $5 वाला स्लॉट हो और चाहे $50 वाला स्लॉट। अब जिनकी आईडी X3 के अंदर लगी थी उनकी आईडी X4 में भी लगा था, मैंने आपको बताया था यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आपको अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। अब X3 हमारा 100% रेफरल इनकम था, X4 हमारा 100% टीम वर्किंग प्लान है, ये भी है वर्किंग प्लान ही लेकिन टीम वर्किंग प्लान है। अगेन आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का, और यहाँ पे 1 और 2 का आपको नहीं मिलता है। मेरे दोस्त X3 के अंदर 1 और 2 का 100% आपको मिला था, उन्हीं की आईडी जब यहाँ पे लगी तो 1 और 2 का आपको नहीं मिला। ये अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी जा सकता है, अगर अपलाइन का स्ट्रक्चर खाली तो अपलाइन को जाएगा, नहीं तो क्रॉसलाइन को जाएगा, अगर आपकी डाउनलाइन नहीं है तो, अगर डाउनलाइन है तो डाउनलाइन को जाएगा। तीसरे का 100% आपको आएगा, ये तीसरा कौन है, ये अपलाइन का डायरेक्ट हो सकता है, आपके क्रॉसलाइन का डायरेक्ट हो सकता है, या फिर आपके मिस्टर 1 और 2 का डायरेक्ट भी हो सकता है। चौथे का 100% आपको आएगा, पांचवे का 100% आपको आएगा, और छठवां आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये चला जाएगा आपकी अपलाइन को। 1-2 आपको नहीं आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा आपको आ रहा है, छठवां फिर से स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर रहा है। जैसे 1 और 2 आपकी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी जा सकता है, वैसे ही 3-4-5 अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं से भी आ सकता है। मेरे दोस्त जैसे ही आपका ये 2 मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं, उसके बाद एक तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं XXX प्रोग्राम, XXX प्रोग्राम, जहां पे पहला लेवल है $8 का, लास्ट वाला है $9,696 का, और यहाँ पे आपको 14 लोगों का स्ट्रक्चर होगा। X3 में 3 लोगों का था, X4 में 6 लोगों का था, XXX के अंदर 14 लोगों का है। 1 और 2 अगेन आपको नहीं मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी जाएगा। नीचे 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोगों का आपको मिलेगा 30%, 30%। नीचे 7 लोग हैं, 7 लोगों में से 6 लोगों का आपको मिलेगा 70%, 70%, मतलब 100% आपको मिलेगा नीचे से, 2 डेप्थ डाउनलाइन से आपको मिलेगा। ये है हमारा XXX प्रोग्राम।
X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना करता है, XXX आपके इन्वेस्टमेंट को 7 गुना करता है। और अगर अगले मैट्रिक्स की अपन बात करें तो ये हमारा X4 दिस द सुपर प्लान, राइट, ये हमारा सुपर प्लान है। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट का 12 गुना होता है। यहाँ पे अगर आप अपने स्लॉट्स को एक्टिवेट करते हैं, 1 और 2 का पेमेंट अगेन आपको नहीं आएगा। नीचे 4 लोग हैं, 4 लोगों को आपको आएगा 20%, नीचे 8 लोग हैं, 8 लोगों को आपको आएगा 30%, नीचे 16 लोग हैं, 16 में से 14 लोगों को आपको आएगा 50%, 50, 30, 20 = 100, 20, 30, 50 इज इक्वल टू 100% आपको आता है नीचे से 4 डेप्थ की डाउनलाइन से। और अगर आपकी करंट अपलाइन वर्किंग में है तो उनकी अपलाइन से आपको आता है 20% और उनके ऊपर की अपलाइन से आता है 30% और उनके ऊपर की अपलाइन से आपको आता है 50%, मतलब 100% नीचे से और 100% इनकम ऊपर से भी आपको आता है। मेरे दोस्त, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप काम करते हैं तो भी इनकम आता है, नहीं करते तो भी इनकम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन सब तरफ से इनकम आता है। एक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आप 8वें स्लॉट में है, X3 के अंदर 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट, आपको अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का इनकम मिलेगा, 8 और 9, 8 का इनकम आपको नहीं मिलेगा। आपको करना ही पड़ेगा, अगले स्लॉट को अपग्रेड आपको करना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं सर, कितने स्लॉट से हमें स्टार्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपका कैलकुलेशन क्या था अलग अलग कंपनी के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ X3 और X4 के अंदर कम से कम 5-5 स्लॉट से आप स्टार्ट करो। अगर X3 के अंदर 5 स्लॉट से स्टार्ट करते हो तो $155 X3 में लगेगा, $155 X4 के अंदर लगेगा, ₹85 के आसपास कीमत है। तो इंडियन रुपीज में 27 से 27,500 से लेकर 28,000 रुपए का आपका INR में कीमत रहेगा ज्वाइनिंग अमाउंट। और अगर आप केवल 12 लोगों को सेम वैल्यू के साथ, सेम वैल्यूएशन के साथ, सेम अमाउंट के साथ ज्वाइन कराते हैं तो X3 में तीसरे का पेमेंट आपको नहीं मिल रहा था तो 8 लोगों का पेमेंट मिलेगा। आपका जो स्ट्रक्चर है दोस्त वो 4 बार रिसाइकल होगा, राइट, तो यहाँ पे जो आपको टोटल इनकम आएगा वो आएगा इंडियन रुपीज के अंदर ₹1,00,000 से ज्यादा, 99,280 रुपीज के हिसाब से अभी प्राइस 85 चल रहा है, ₹1,00,000 से ज्यादा यहाँ पे आता है। और अगर X4 पे अपन चले तो करीब करीब 80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए केवल 12 लोगों को रेफर करके विद द सेम वैल्यू आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं X3 एंड X4 प्रोग्राम के अंदर, अगर केवल आप 5-5 स्लॉट के अंदर भी आते हैं। मेरे दोस्त, X3 एंड X4 प्रोग्राम में अगर आप एक एक स्लॉट से ज्वाइन करते हैं तो कितना डॉलर की, कितना USD की जरूरत पड़ेगा, 12.5, जिसका कीमत होगा 13-1,350 रुपए। अगर 2 स्लॉट से आते हैं $35 अप्रोक्सीमेट, ₹3,100। 3 स्लॉट से आते हैं $80 अप्रोक्सीमेट, ₹7,000 के आसपास। 4 स्लॉट में $170 अप्रोक्सीमेट, 14,000-14,500 रुपए के साथ आप 4 स्लॉट में स्टार्ट करके, क्योंकि जितने स्लॉट्स आप उम्र करेंगे उतने ही इनकम आप यहाँ पे ले पाएंगे। मेरे दोस्त, बिल्कुल हिलिएगा मत, अब मैं आपको लेके चलता हूँ और सीधा स्ट्रक्चर पे, और आपको मैं स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कैसे हमारे स्ट्रक्चर काम करते हैं और कैसे आप यहाँ पे इनकम ले सकते हो। मैं यहाँ पे डालता हूँ सीधा forces.io, और जैसे ही आप forces.io डालते हैं हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, और इस इंटरफेस पे आप अगर जाते हैं आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ NFT नॉन फंजिबल टोकन्स के यहाँ पे आपको डेमो देखने मिलेगा, जो हमारा विद इन अ मंथ लॉन्चिंग पे है। 1 महीने के अंदर ही ये हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स मिलने वाले हैं, NFT मिलने वाले हैं, जिसको कोई भी गवर्नमेंट एज अ डिजिटल प्रोडक्ट कंसिडर करती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था, सर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो मेरे दोस्त ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है NFT, एक ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया में किसी और दूसरे इंसान के पास नहीं है, दैट इज NFT, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। अब मैं जैसे लॉगिन पे जाता हूं, मैं यहाँ पे एक मैसेज देखूंगा, जैसे लॉगिन पे जाऊंगा 1 NFT इज इक्वल टू 10 BUSD, 1 NFT की जो कीमत होगी 10 BUSD के बराबर होगा। जो हमारे दोस्त पहली बार आए हैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप जितने इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जितने स्लॉट के साथ भी आएंगे, जितना डॉलर भी लगाएंगे, 10 BUSD अगर आप लगाते हैं तो आपको 1 टोकन मिलेगा, अगर आप 100 BUSD लगाते हैं तो आपको 10 टोकन मिलेगा NFT का, अगर आप यहाँ पे 1,000 लगाते हैं तो आपको 100 NFT टोकन्स मिलेंगे, जिससे आप नए मैट्रिक्स जो भी हमारा आएगा उसमें आप अपने स्लॉट्स को ओपन कर पाएंगे और बड़ी इनकम ले पाएंगे। आगे मैं लेके चलता हूँ, और जैसे मैं लॉगिन पे चलता हूँ हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। दोस्त, दुनिया का मैं क्यों बोल रहा था इकलौता सिस्टम ऐसा अजूबा सिस्टम, मैं नंबर 1 ID डालता हूँ, और जैसे मैं नंबर 1 ID डालूंगा आप यहाँ पे देखेंगे ये सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स की ID है, और सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स की ID भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे 14,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है,
तब जाके 8-8.5 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। 14,000 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, 8.5 लोगों की टीम है, तब कहीं जाके 8-8.5 करोड़ कमाए हैं। अगर ये सिस्टम के क्रिएटर्स जो हैं टीम नहीं बनाते, जैसे कंपनियों में होता है कि आप टीम बनाते हो, आप प्रोडक्ट बेचते हो, वो बैठ के चुपचाप रहते हैं, काम करते हैं ऑफिस वाला, और आपके टर्नओवर का बहुत बड़ा पार्ट उनको चला जाता है, ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। काम करेंगे तो सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स कमाएंगे, नहीं करेंगे एक चमन्नी नहीं आएगा, और यही फोर्सेस है और यही फोर्सेस की खूबसूरती है। मेरे दोस्त मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ हमारी आईडीज पे, और यहाँ पे आईडी देखो, हमारी आईडी 251 लोगों को डायरेक्ट में है, 53,000 लोगों की टीम है, 95,247 डॉलर की इनकम है, 85 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम। दूसरी आईडी हमारी यहाँ पे देखें, टोटल यहाँ पे 1,72,675 डॉलर की इनकम है, इंडियन रुपीज के अंदर 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा की इनकम। और मैं 1,55,000 का परिवार बताया था, आप यहाँ पे देखो 1,56,581 लोगों का टोटल परिवार बन चुका है टीम ग्लोबल का, और 483 डायरेक्ट इस आईडी पे है। ये तो हमारी है, छोड़िए हमारी आईडी पे आप देखेंगे 2.5-3 करोड़ रुपए के इनकम है पिछले 1.5-1.5 साल के अंदर। लेकिन हमारी टीम के अंदर लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्योंकि जिस भी कंपनी में आपने काम किया होगा, एक सबसे बड़ा चैलेंजेस जो आपके साथ था कि आप तो कमा भी रहे थे लेकिन आपकी टीम के अंदर लोग नहीं कमा पा रहे थे। मेरे दोस्त फोर्सेस के अंदर आज हम लोग क्यों डेवोटेड हैं और क्यों हमें अच्छा लगता है और क्यों हमें फक्र होता है इस चीज का, हम तो कमा ही रहे हैं लेकिन हमारे साथ में हमारी टीम भी कमा रही है। जैसे एक आईडी मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें, ये आईडी मेरे को किसी ने मैसेज किया है, और इस आईडी पे आप देखेंगे ये हमारी टीम ग्लोबल की आईडी है, आज की इनकम आप देखें $297, करीब 25,000 रुपए एक दिन की अर्निंग है मेरे दोस्त। टोटल अर्निंग आप देखेंगे 7-7.5 लाख रुपए। आप बताइए कंपनी कोई भी हो, सब कंपनी अच्छी, किसी कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, राइट, लेकिन आपको क्या ये सही नहीं है कि हम जिस भी कंपनी में गए थे, प्रोडक्ट तो बाद में आता है लेकिन पहले हम पैसा कमाने के लिए गए थे। अगर आप जो कमाने गए थे वो कमा रहे हैं वेल एंड गुड, और इस बंदे को बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है फिर भी 25-26 हज़ार रुपए डेली का कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि देखिए ट्रैक्टर में रेस जीतने जाओगे ना आप तो नहीं जीत पाओगे, उसके लिए आपको फरारी जैसी गाड़ी चाहिए। तो वही है कि अगर आप अपने सपने तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्त उन कंपनियों से आप नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे 7-8 साल में लोग 1 लाख पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। फोर्सेस जैसा सिस्टम आपको चाहिए। एक ये आईडी देखो, ये कभी आप ड्राइविंग का काम करते थे और आज की इनकम आप देखो 20,000 रुपए से ज्यादा का इनकम। ये भी टीम ग्लोबल के परिवार से 20,000 रुपए एक दिन की इनकम, कभी महीने में 20,000 रुपए कमाते थे आज, और ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि मेहनत ये लोग पहले नहीं कर रहे थे या फिर हम नहीं कर रहे थे, मेहनत वहां पे भी कर रहे थे। ये हैं भारती जी, राइट दोस्त, आप देखो $160 की अर्निंग, 14,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग एक दिन का। मैं बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये लोग वहां पे काम नहीं कर रहे थे, जहां जिस भी कंपनी के अंदर थे काम वहां पे भी कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई पहाड़ में कितना खोदोगे पानी निकालने के लिए। आप यहाँ पे एक और आईडी देखो, मैं और आईडी यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। ये हमारे टीम के वो लोग हैं जो लोग आज जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और एक एक दिन का इनकम आप यहाँ पे देखो, करीब 7-7.5 हज़ार रुपए का इनकम इन्होंने एक दिन का लिया है। ऐसे एक दो नहीं, हजारों लोग हैं भाई, हजारों लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया है और जबरदस्त इनकम ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे और कुछ आईडीज दिखाता हूं, बिल्कुल हिलिएगा मत, राइट, कुछ समय के लिए आपको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। कंपनियों के अंदर तो ऐसी सुविधा भी नहीं है कि हम आईडी खोल के देखें। अब ये देखो, ये जर्नलिस्ट हैं, राइट, और ये एक बहुत अच्छे न्यूज चैनल से हैं। इनकी आईडी पे आप इनकम देखो $1,295, टोटल इनकम 2.5-8 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम। प्रेम कुमार जी अगर आप अवेलेबल है मीटिंग के अंदर, जरा एक बार हैंड रेस करें दोस्त। $1,295 आप यहाँ पे देखो, $1,295 का मतलब होता है 1 लाख रुपए से ज्यादा। प्रेम जी मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा हूं, जरा आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए इतने बड़े मंच पे। पहले तो प्रेम जी आप मुझे ये बताओ, ये $1,295 मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम, ये कितने दिन की इनकम है सर? 1 महीने का है ये? सिंगल डे का है, सॉरी सर आज का है इनकम, ये आज का इनकम है सर। इसके लिए आपने कितनी मीटिंग की है, कितने सेमिनार में आप गए हो आज? सर मैं आपको बता दूं, आज मैंने ज्यादातर मेहनत भी नहीं की, ऑन द वे था, ज्यादातर मैं कहीं चल रहा था, और ये एक तरीके से नॉन वर्किंग इनकम है। वेरी नाइस। क्या मैं सर, अच्छा दूसरी इनकी आईडी आप देखो, आईडी कब लगी है? 4 अप्रैल। सर सात महीने 4 दिन आज मेरे को कंप्लीट हो चुका है। 4 अप्रैल की आईडी है। 7 महीने में बंदा उस लेवल पे पहुंच गया, 1 लाख रुपए से ज्यादा एक एक दिन का कमा रहा है। स्वागत है सर, क्या मैसेज देंगे लोगों को?
सर मैसेज ये देना चाहूंगा, देखिए मैं अकेले कमा रहा हूँ ये बड़ी बात नहीं है सर, आज मेरी टीम में बहुत 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80,000 90,000 40,000 30,000 ऐसी इनकम की है। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट मेरे दोस्त, आपको ये सिस्टम समझ में आ गया है तो भी ज्वाइन कर जाओ, और नहीं समझ में आया तो भी गलती से ज्वाइन कर जाओ। जिस दिन आपको समझ में आएगा महीने दो महीने में, तब तक आप लाख रुपए यहाँ से कमा चुके होंगे। और सर ये सारा का सारा जो देन है हमारे रामदेव सर को पूरा सिरे जाता है, क्योंकि उनकी वजह से और सर आपके ट्रेनिंग सेशन की वजह से हम लोगों ने आज ये छोटी सी इनकम की, और कभी खुश नहीं होना है। और मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा सर कि जो हमारा NFT आ रहा है, इसको लेके हमारी पूरी इंटायर टीम में जबरदस्त तरीके का जुनून आ चुका है, और बड़े स्लॉट के ही बड़े जादू हैं, छोटे स्लॉट से सर छोटा ही इनकम आ सकता है। सो थैंक यू सो मच प्रेम जी, क्या मैं सही हूँ, आप मीडिया से हैं राइट? यस यस सर, आर भारत न्यूज़ 24/7 सर, नो डाउट। वेरी नाइस, चलिए ऑल द बेस्ट सर। सर की टीम से मैं कुछ आईडी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये सर की टीम से ही है राइट? और यहाँ पे देखो डॉक्टर अजय, और इनकी आज की अर्निंग देखेंगे $560 इंडियन रुपीस के अंदर, 50,000 रुपए एक दिन की इनकम है दोस्त। सर ने बोला ना कि मैं बस नहीं कमा रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर लोग भी कमा रहे हैं। डॉक्टर अजय जी अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, जरा एक बार हैंड रेस करें, अगर आप मीटिंग के अंदर अवेलेबल है प्लीज रेज हैंड्स। अगर आप मीटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, जुड़ नहीं पाए मेरी टीम से, सेशन फुल हो जा रहा है जी। ओके नो प्रॉब्लम सर, चलिए शायद सर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखो इनकी टीम से ही हैं, जिनकी एक दिन की इनकम आप देख पा रहे होंगे 50,000 रुपए एक दिन की है मेरे दोस्त। कंपनियों के अंदर आप देखो 50,000 रुपए जब महीने में कमाते हैं ना, उछल उछल के डांस करते हैं, यहाँ पे एक एक दिन की इनकम है इन्हीं की टीम के अंदर। और आईडी में ओपन कर रहा हूं, $970 एक दिन की अर्निंग है। $970 एक दिन का मतलब है 83,560 रुपए, 83,000 रुपीज दोस्त, बहुत पुराने नहीं है। आप बोलो सर 4 साल 3 साल 2 साल हो गए होंगे इनको भी काम करते हुए तो कमाएंगे, मेरे भाई 24/6/2022 को इनकी ज्वाइनिंग है, आज 2.5 महीने हो रहे हैं, और 4 महीने हो रहे हैं, 4 महीने बाद बंदा एक दिन का 83,000 की इनकम ले रहा है, 83,000 रुपए की इनकम ले रहा है। पाल साहब अगर आप अवेलेबल है मीटिंग के अंदर जी, भूपेंद्र सर अगर अवेलेबल है तो हैंड रेस करें एक बार, बिल्कुल अगर आप अवेलेबल हैं सर प्लीज रेज योर हैंड्स। पाल साहब अगर आप अवेलेबल हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए सर अवेलेबल नहीं है हमारे बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे लीडर जो हमारी टीम के जबरदस्त प्रेजेंटर भी हैं, उनकी टीम के अंदर भी लोग आज एक एक दिन के अंदर 20,000 30,000 40,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं, मिस्टर अमित यादव। अच्छा डूंगर राम बोस जी हैं, सबसे पहले मैं डूंगर राम बोस जी को लेता हूं जिनका मैं इनकम दिखा रहा था। डूंगर राम बोस जी स्वागत है आपका। जी सर थैंक यू सो मच सर, आप जिस समय आईडी दिखा रहे थे मेरा कोई कॉल आ गया था और मेरे को इमरजेंसी कॉल भी लेना पड़ा सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, आपका वेलकम करता हूँ मैं इस पैनल पर, मुझे बोलने के लिए इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। और मैसेज मेरा यही है सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज आप जूम सेमिनार देख रहे हैं और लोगों की आइडिया खोल खोल के दिखाई जा रही थी, उसी समय हम भी देख रहे थे लोगों की आइडिया दिखाई जा रही थी पर डे की 1,00,000 रुपए 50,000 60,000 दोस्तों, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आया कि लोग 1,00,000 रुपए के कमा रहे हैं तो हम 20-25,000 हम भी कमाएंगे, ये सोच लेके आए थे। लेकिन सर आपके माध्यम से, आपकी गाइडलाइन के माध्यम से, आपकी ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आज हमें भी वही मौका मिल रहा है जो आज कुछ समय हमें लोगों ने देखा था, हमें भी आप इन्वाइट कर रहे, हमने भी सर आज की पर एक सिंगल डे की इनकम कहूँ तो $257 लगभग 22,000 के आसपास मेरी आज सिंगल डे की इनकम है दोस्तों। ये मेरा कोई घमंड नहीं है, नहीं मेरा पावर है, ये एक सिस्टम का पावर है और सिस्टम को हमने फॉलो किया और अपलाइन को हमेशा अपलाइन माना और अपलाइन की गाइडलाइन के चलते चलते हुए हम बढ़े सर। अभी तक हमने इतना बहुत बड़ा कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, अभी ट्रेलर है सर, अभी पिक्चर बाकी है, अभी हमारी NFT आ गई है और NFT को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर, जिसका फल हमें 100% निश्चित मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने मेरे दोस्त। मैं बात कर रहा था हमारी टीम के एक जबरदस्त मिस्टर अमित यादव सर का, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं टीम ग्लोबल के, बहुत गजब का प्रेजेंटेशन भी देते हैं। अमित यादव सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, स्वागत है सर आपका।
जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका दिया। सर मेरा आईडी नंबर 268351 है, और सर मैं आपसे पहले सर 268351। ओके जी सर, गो अहेड। सर मैंने 25 फरवरी को सर एक अनजान व्यक्ति ने मुझे फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट किया था। उसके पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑलमोस्ट 5.5 से 6 साल का समय मैंने और मेरे पिताजी ने दिया था, और फादर मेरे आर्मी में थे, आर्मी की नौकरी उन्होंने छोड़ी, मैंने अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ाई छोड़ दिया था कि उस कंपनी में डायमंड बनना है। डायमंड बनने के चक्कर में सर ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख का कर्ज हम ले चुके थे जो हमारे ऊपर लेवल्टी बना हुआ था, और ऐसे टाइम पे हमें फोर्सेस मिला उस अनजान व्यक्ति के माध्यम से जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से कॉन्टेक्ट किया, मिस्टर ओले अहमद जी। विश्वास किया सर, 25 फरवरी को प्लान लेकर था, 26 को डिसीजन लिया। सर सोच इतनी बना के आए थे कि मैंने कहा 40 से 50 हजार, जैसा बता रहे थे वहां पे ओले अहमद सर अपनी आईडीज खोल करके, तमने सोच बनाई थी 40 से 50 हजार कमाने की। ये नहीं मालूम था सर कि 40-50 हजार रुपए मैंने की सोच लेकर के आने वाला लड़का और उनके पिताजी आज इस बिजनेस में सर पर डे बेसिस का 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग आना स्टार्ट हो चुकी है, और सर नेटवर्क के अंदर भी आज बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और सर इस बिजनेस की वजह से अपनी लाइबिलिटीज को हम खत्म कर पाए, और इस बिजनेस में अभी तो दिन का 1 लाख रुपए भी सर कमाने की प्लानिंग हो चुकी है। जैसा कि सर बताते हैं एनएफटी को लेकर के, तो एनएफटी की प्लानिंग पूरी हो चुकी है, और सर इंटायर नेटवर्क में अब तक हमने देखा था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक रेशियो काम करता था, और फोर्सेज ही एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे 100% लोग आज के समय में पूरे इंटायर नेटवर्क में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं तो सर नए लोगों को यही बोलूंगा कि आज बिजनेस समझ में आए या ना आए, डिसीजन ले लेना, स्टार्ट कर लेना, जब तक समझ में आएगा तब तक आपके अकाउंट में फोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट जा चुका होगा। थैंक यू सो मच सर, हैंड ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच अमित सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया मेरे दोस्त। आप ही की जैसे कहानी इनकी भी है, सर ने बताया भी 5-6 साल डायमंड बनने के चक्कर में 5-6 लाख रुपए का कर्जा, और आज पर डे 20-25 हजार रुपए की इनकम दे रहे हैं, और डेली, मतलब ऐसा नहीं कि आज अचानक ये कमा लिए, डेली इनकी आईडी ओपन करके देख लेना, डेली 20-25-30 हजार रुपए की अर्निंग ये दे रहे हैं, और ना केवल ये ले रहे हैं अपनी टीम के अंदर भी लोगों को दिलवा रहे हैं। इनके जस्ट ऊपर अपन चलते हैं, इनकी अपलाइन की आईडी देखिए, इनकी अपलाइन की आईडी 12 फरवरी की इनकी ज्वाइनिंग है। लास्ट मार्च में मुझसे बात हुई थी और इन्होंने काम स्टार्ट करने को बोला था, लास्ट मार्च से काम स्टार्ट किया है, और अगर अपन फरवरी का भी मान लें तो मेरे दोस्त 8 से 9 महीने हो रहे हैं, और टोटल अर्निंग आप देखेंगे 40 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग टोटल ये ले चुके हैं अभी तक इसी फोर्सेस से, और आज की अर्निंग आप देखेंगे तो दोस्त करीब करीब 23-24 हजार रुपए का इनकम इनका आज का है। और मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 महीनों में इनकी टीम के अंदर अचीवर्स की संख्या देखेंगे 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग इनकी टीम के अंदर कम से कम 15 लोग हैं, 15 से 16 लोग हैं, और ये इनकी बस कहानी नहीं है, इनके माध्यम से मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूं, इनके माध्यम से आप समझिए कि फोर्सेस, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि फोर्सेस के अंदर लोग कमा इसलिए रहे हैं क्योंकि फोर्सेस का सिस्टम ऐसा है, मेहनत उतना ही कर रहे हैं जितना आप कर रहे होगे, जितनी आपकी कंपनी के अंदर मेहनत होगा उतनी ही इस सिस्टम के अंदर भी मेहनत है, लेकिन क्योंकि सिस्टम जबरदस्त है तो लोग पैसा जबरदस्त कमा रहे हैं, और आपका भी उद्देश्य अगर पैसे ही कमाना है मेरे भाई, जिनके साथ आप आए हो होक बजा के ज्वाइन करना, आप उनको बोलना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ, जूम पे लो और लाइव दिखाओ, सच में खाते में पैसा लियो या बेवकूफ बना रहे हो। अरे फोर्सेस के अंदर कोई इंसान अगर आपको बोले ना कि मैं 50 हजार कमाता हूं तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस के अंदर 0.001% का भी कोई झूठ नहीं बोलता है, सबको पता है अगर हम झूठ बोलेंगे पकड़ा जाएंगे, आईडी खोल के कोई भी देख लेंगे। अगर कोई इंसान बोल रहा है मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो आपको मानना पड़ेगा, ये कंपनी नहीं है जहां पे 50 हजार कमाते हैं, 60 हजार बताते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख बताते हैं, यहाँ पे तो 1.5 लाख, 1,56,000 की टीम को 1,55,000 बताते हैं, 25 हजार की इनकम को 20 हजार बताते हैं, क्योंकि वी बिलीव अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी, कम बताएंगे ज्यादा आएगा, आपको भी देखने में मजा आएगा, ज्यादा बताएंगे कम आएगा, आपको लगेगा यार ये फिर से वही कहानी शुरू हो गई, और एक दो नहीं, आप यहाँ पे देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज की इनकम 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की इनकम एक दिन में ली है, प्लीज रेज योर हैंड्स, जिन्होंने आज की इनकम 5,000 से लेके 2 लाख, 3 लाख रुपए तक लिए हैं, जल्दी से एक बार हैंड रेज करेंगे। दोस्त यहाँ पे देखो, हमारे मोस्ट ऑफ लीडर्स तो जूम के यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पे देखो संख्या देखो, और इनमें से किसी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी की भी आईडी ओपन करके देख लेना, कोई भी इंसान जितने ने हैंड रेस किया है एक भी इंसान का 1 रुपए कम नहीं मिलेगा, 1 रुपए ज्यादा ही मिलेगा, और यही फोर्सेज है, और यही फोर्सेज का कमाल है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो स्टार्ट करें, ज्वाइन करें, हमारा पूरा सहयोग, टीम ग्लोबल का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। एक काम करिएगा, जब भी आपको ज्वाइन करने का मूड होगा आप केवाईसी करिए,
किसी न किसी एक्सचेंजर के अंदर पैसे किसी अकाउंट के अंदर मत डालिए। अगर किसी अकाउंट के अंदर आप पैसे डालते हैं आपका फंड मिसप्लेस होता है, उसके लिए टीम ग्लोबल, राजन सिंह या कोई भी प्रेजेंटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और जिसके अकाउंट में आप पैसे डालें वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो आप खुद ही केवाईसी करें, उनको आप बोलें, वो आपको गाइड करें और फोर्सेस को स्टार्ट करें, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जिन्होंने आपको बुलाया है उन्हीं के साथ स्टार्ट करना, टीम ग्लोबल का हर एक योद्धा आपको वहीं पे सपोर्ट करेगा और वहीं से आपको आगे बढ़ाएगा। दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, सुबह 7:00 पर मिलेंगे, तब तक के लिए वेरी गुड नाइट।